नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। यूपी में शहर शहर मौत की फैक्ट्रियां चल रही हैं। रिहायशी इलाकों में अवैध पटाखा बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, इसका कारोबार चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में यूपी के 3 शहरों में धमाके हुए हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में ब्लास्ट होने से थर्राए रिहायशी इलाके। आगरा, मेरठ और सहारनपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में कई लोगों की मौत भी हुई और कई लोग जख्मी हुए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश प्रशासन की नाक के नीचे ये जो अवैध पटाखा फैक्ट्रियां ये चल रही हैं। हादसों के बाद क्यों टूटती है पुलिस प्रशासन की नींद, सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर किसकी शह पर रिहायशी इलाकों में ये मौत के पटाखे बनते हैं। दर्दनाक हादसों के बाद अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक जो है वो चुप्पी साध लेते हैं। सवाल आखिर यही उठता है कि आखिर कब तक यूपी के शहर शहर चलती रहेगी अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियां। आपको सहारनपुर के बारे में अगर हम पूरी डिटेल दे दें तो आपको बताएं कि सहारनपुर पटाखा फैक्ट्री में पिछले कई दिनों से काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में पटाखे बनाने की परमिशन नहीं थी। यहां से पटाखों की पैकिंग के लिए जो लाइसेंस है उसको जारी किया गया था। बावजूद इसके फैक्ट्री में अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम चल रहा था। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में बिना परमिशन के 300 से लेकर 400 मजदूर काम भी कर रहे थे। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि इस फैक्ट्री में नाबालिग बच्चे भी काम कर रहे थे। यहां तक कि पटाखा फैक्ट्री में इतने बड़े स्तर के रूप में यहां पे पूरा काम चल रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक थी, लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। तो आखिर सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में शहर शहर आखिर क्यों जो अवैध फैक्ट्रियां ये काम कर रही हैं, आखिर कब तक जो लोग हैं वो अपनी जान गंवाते रहेंगे, आखिर क्यों और कब? जब ब्लास्ट हो जाता है, जब लोगों की जान चली जाती है, हजारों की संख्या में कई लोग जो घायल हो जाते हैं, उसके बाद प्रशासन की नींद टूटती है। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठना है, लाजमी है कि आगरा में, सहारनपुर, मेरठ में ब्लास्ट होने के बाद हमें पता चला है और भी बहुत से ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं। सवाल यही है कि आखिर इस तरह की फैक्ट्रियों पर लगाम कब लगाई जाएगी। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक सहारनपुर की है, दूसरी मेरठ की है। आज सहारनपुर में ब्लास्ट हुआ, भीषण आग लग गई पटाखा फैक्ट्री में। वहीं मेरठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीते दिन की है। ब्लास्ट इतनी तेज हुआ था कि कई घरों की जो छतें हैं वो टूट के गिर गई। देखिए, सवाल उठना बड़ा लाजमी है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में शहर शहर पटाखा फैक्ट्रियों में ऐसे ही आग लगती रहेगी। हेलो, तो सहारनपुर मामले में कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने भी प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहना है देखिए। जांच करें कहाँ से फैक्ट्री चल रही है, किन लोगों की चल रही है, क्यों चल रही है। आखिर शिवालिक की तलेटी में जहाँ जंगल ही जंगल है, गांव बड़े बड़े हैं, वहाँ उसके पास में ये फैक्ट्री चल रही है पटाखा गोदाम। मेरा, मैं तो आज देखकर अचंभित हो गया, वहाँ ये आग के उस पर गोदाम पे मेरा गांव बसे हुए, शिवालिक की तलेटी बसी हुई है। उसे परमिशन किसने दी? इसका इंश्योरेंस है नहीं है, इसके जो वर्कर हैं उनका इंश्योरेंस है नहीं है, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है नहीं है। फायर ब्रिगेड वहाँ से कितनी दूरी होनी चाहिए उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर बिना फायर ब्रिगेड के, बिना उसके काम चल रहे हैं, इस पे जांच होनी चाहिए, एक जांच का विषय है। जांच करें कहां। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों से हमारे संग लोग जुड़ चुके हैं। मेरठ से हमारे ब्यूरो चीफ के शर्मा जुड़ चुके हैं। वही सहारनपुर से विनीत शर्मा हमारे साथ हैं। शिवम गौतम गाजियाबाद से भी हमारे संग जुड़ गए। सबसे पहले विनीत, मैं आपके पास आऊंगा। सहारनपुर में जो ब्लास्ट हुआ, अब तक का जो उसका पूरा अपडेट है, क्या कुछ अपडेट है ये बताइए आप पहले मुझे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सुबह, आज ये सुबह ब्लास्ट हुआ, थाना बिहारीगढ़ इलाका है और वहीं पे सतपुरा गांव के पास ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री वहां पर चल रही थी। और वहां पर जो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री के अंदर सिर्फ पैकिंग के लिए वहां पर परमिशन दी गई थी और जिसके लिए बाकायदा 70 से 80 लोगों की परमिशन थी। लेकिन वहां पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। वहां पर बड़े पटाखे से लेकर छोटे पटाखे, तमाम तरह के पटाखे वहां पर बनाए जा रहे थे और पूरे अवैध तरीके से वहां पर करीबन 300 से 400 लोग। किसकी थी, कौन इसका मालिक है? साफ तौर पर जैसे आपने भी हमें बताया कि लाइसेंस सिर्फ वहां पे पैकिंग के लिए था, लेकिन वहां पे पटाखों का बन रहे थे, पटाखे भी बन रहे थे।
देखिए ये जो फैक्ट्री है ये अमित अग्रवाल के नाम पर है, जो इसका लाइसेंस जो वहां पर पैकिंग का था वो अमित अग्रवाल के नाम पर है, और अमित अग्रवाल क्योंकि वहां पर रहते नहीं है, बताया जा रहा है कि यहाँ फैक्ट्री में पंजाब से पटाखा यहाँ पर आता है पैकिंग के लिए, और उसी की परमिशन यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पर अवैध तरीके से अंदर यहाँ पर पटाखे बनाए जा रहे थे। हालांकि जब मीडिया में बीच में यहाँ पे हम लोग पहुंचे भी थे, न्यूज वन इंडिया की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन वहां पर किसी की एंट्री नहीं है। बाकायदा वहां से हमने जो इलाके के जो एसओ है उनको फोन किया गया, जो फायर अधिकारी है उनको फोन किया गया, तो उन्होंने साफ हाथ मना कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वहां पर अवैध काम हो रहा था, और जो ये जानकारी है कि वहां पर नाबालिग बच्चे भी वहां पर पिछले काफी समय से काम कर रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि घाट इलाका है और वहां पर कहीं ना कहीं जो मजदूर लोग हैं उनके लिए काम की कमी थी, तो इसी के चलते वहां पर तमाम लोग वहां पर काम कर रहे थे, और वहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते, बड़ी लापरवाही के चलते आज ये एक बड़ा हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, प्रशासन को पूरी खबर थी। जी बिल्कुल, देखिए वहां की जो एसओ है, जो थाना इंचार्ज है, उनको पूरी जानकारी थी, फायर जो सेफ्टी अधिकारी हैं उनको हमने फोन करके बताया कि यहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही है, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद हमने डीएम साहब को भी बकायदा बताया था कि इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, मेरठ चलेंगे, के शर्मा हमारे संग ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। के मेरठ वाले में क्या अपडेट है, जो लोग गुनहगार थे क्या अब तक वो सलाखों के पीछे पहुंचे या वो अभी भी अपने रसूख के दम पर बाहर हैं? जी मैं आपको बता दूं साहब, यहाँ पर जो गैस सिलेंडर का विस्फोट है उसके पीछे ही अपने आप में बहुत अलग थ्योरी सामने आ रही है। पहले थ्योरी तो यह है कि वहां से संगीत सोम जो विधायक है उनका घर मात्र 300 मीटर की दूरी पर है, और जिस तरीके का विस्फोट हुआ है वो किसी भी तरीके से ये साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा रहा है कि ये सिलेंडर का विस्फोट है। बिल्कुल, यानी कि वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अवैध पटाखे ही बनने की बात हर तरफ से उठ रही है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि सरदना के कम से कम एक दर्जन से ज्यादा गांव है जहां पर इस तरीके से अवैध पटाखों का निर्माण होता है, और अगर शहर के बीचों बीच ये अवैध निर्माण हो रहा था पटाखों का, ये पटाखों का जो संग्रह हो रहा था वो पुलिस की देखरेख के बिना तो नहीं हो सकता। LIU इतनी सबसे ज्यादा इस समय सक्रिय है, एक एक मिनट की रिपोर्ट दी जा रही है, और उसके बावजूद क्योंकि जो छत उड़ के गई है वो कम से कम 200 मीटर की छत उड़कर गई है पूरी। अगर सिलेंडर होता तो एक छेद होता, और एक जो शव है वो अपनी जगह से 500 मीटर आगे जाकर दूसरी छत पर गिर पड़ा है। तो ये साफ तौर है कि वहां पर विस्फोटक थे, वहां पर पटाखे बन रहे थे। मैं आपको बता दूं सरदना का मैनापुट्टी गांव है, और इसके अलावा मवाना है, फलावदा है, और मेरठ के कुछ इंटीरियर इलाके हैं जहां पर ये पटाखे बनाने का अवैध काम थानों के संरक्षण में होता है, और जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद मार पुकार मस्ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मवाना और फलावदा जो सेंटर है, और एक और इनके बीच में गांव है सठला, इसमें बच्चे महिलाएं इनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। हमने कई बार न्यूज वन इंडिया पर रिपोर्ट चलाई है कि किस तरीके से बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे उस पोटाश के साथ कीले मिलाकर दूसरी चीजें मिलाकर पटाखे बनाते हैं, लेकिन श्रम विभाग से लेकर पॉल्यूशन विभाग तक फिर पुलिस ये सारे कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि कैसे दिवाली के करीब करीब 2 महीने पहले ही ये सारे गोरख धंधे शुरू हो जाते हैं। और अब तो लॉकडाउन का टाइम है, तो पुलिस का सारा ध्यान लॉकडाउन के नियमों को पालन करवाने में, शराब की दुकानों के ऊपर है, तो ऐसे में यहाँ पर ये काम बहुत फल फूल रहा है। लेकिन जब बड़े हादसे हो जाते हैं तब उसके बाद आवाज उठती है। मेरठ में भी कई बार इस तरीके की आग लग चुकी है। मवाना में पिछली बार दिवाली पर करीब 2.5 क्विंटल से ज्यादा पटाखे मिले थे, एक गोदाम पर छापा लगाया गया था। लेकिन बावजूद इसके पुलिस, LIU और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, श्रम विभाग, ये चारों कभी भी समय रहते कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि एक दिन में तो पटाखे बनते नहीं। सहारनपुर की घटना, बिल्कुल, क्योंकि आप हमारे संग बने रहिए, वक्त रहते कार्रवाई नहीं की जाती। शिवम गौतम भी हमारे संग गाजियाबाद से जुड़े हैं। शिवम, गाजियाबाद में भी ऐसी कितनी अवैध और मौत की फैक्ट्रियां हैं जो रिहायशी इलाकों में चल रही हैं, प्रशासन को खबर है या नहीं है, और अगर खबर है तो उस पर एक्शन लिया गया अब तक या नहीं लिया गया?
देखिए जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां संचालित होती हैं। अगर बात गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद के कई इलाकों में इस तरह की अवैध पटाखे फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। अगर बात लोनी की करें चाहे फरुख नगर की करीब सैकड़ों की तादाद में यह दुकानें हैं जो कि छोटे छोटे इलाकों में इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां बसी हुई हैं, जहां पर छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी काम करती हैं और उनकी जान को जोखिम में डालकर इस तरह की अवैध फैक्ट्रियों को संचालित किया जाता है। हालांकि जिस तरीके से सहारनपुर का मामला सामने आया, आगरा, अलीगढ़ और साथ ही जिस तरीके से कल मेरठ में बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन की आंखें तो जरूर खुली हैं। जगह जगह सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आखिर ये कार्रवाई जब क्यों, जब हादसे हो जाते हैं, जब हर बार दिवाली पे इस तरह की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, तो ये पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जी बिल्कुल, विनीत के पास चलेंगे। विनीत, हादसों के बाद अक्सर देखा जाता है कि उसमें सियासत शुरू हो जाती है और सहारनपुर मामले में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। जो कांग्रेस विधायक है वो कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे। जी बिल्कुल, देखिए नरेश सैनी कांग्रेस के विधायक है और उनके इलाके में ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद नरेश सैनी वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद जब वो जिला अस्पताल आए तो वहां पर मीडिया से वो बात उन्होंने की, तब उन्होंने ये बात बताई है कि मैं उस इलाके का विधायक हूँ लेकिन आज तक मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी फैक्ट्री अवैध तरीके से वहां पर चल रही है। और साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाए हैं प्रशासन में कि जो वहाँ के जो प्रशासन है, लोकल जो एसओ है, एसडीएम भेट है, उन सबके संरक्षण में ये सब होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जानकारी उन्हें भी है इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है उसके बावजूद भी कार्रवाई ना करना एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। जी नहीं विनीत, लेकिन सवाल तो कांग्रेस विधायक से यह भी बनता है कि अगर आपको पता था तो आपने अब तक किया क्यों नहीं, और अगर आपको नहीं पता था तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है और आपको जानकारी तक नहीं है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस विधायक ने आज ही ये बात कही है कि मुझे आज ही इस बात का पता चला है। अब वो आगे उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आगे इस मुद्दे को उठाऊंगा, बाकायदा अधिकारी से बात करूंगा और विधानसभा में इस मुद्दे को वो उठाने की उन्होंने बात कही है। और उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें आरोपी होगा वो उसको जो भी आरोपी उसको होगा वो सजा दिलाने का काम उसमें करेंगे। जी बिल्कुल। मेरठ से हमारे ब्यूरो चीफ के शर्मा भी जुड़े हैं। के, ये बताइए कि मेरठ में सरदना में तो कल ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो तमाम जो घर है उसकी छत उड़ गई, कई लोगों की जान गई, और कितनी ऐसी अवैध फैक्ट्रियां हैं मेरठ में जो चल रही हैं और प्रशासन को खबर तक नहीं है। सौरभ, आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है कि वहां के विधायक एक्टिव क्यों नहीं थे, तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक स्वरूखों को चलते, रसूखों के चलते ये लोग राजनीतिक पोजीशन एंजॉय करते हैं, अपने क्षेत्र की नहीं मालूम होती। और ये फायर ब्रिगेड ब्रांड नेता है संगीत सोम, अगर उनके क्षेत्र में हो रही है तो, और सबसे बड़ी बात उनके सामने यही है कि उन्हें क्यों नहीं पता था। मैं आपको बता दूं, एक दर्जन से ज्यादा ऐसे केंद्र है, ऐसे सेंटर है बड़ौद से शुरू होकर मेरठ के खरखौदा तक, जहां पर अवैध निर्माण हो रहा है पटाखों का, और ये थानों की सेटिंग के बिना संभव किसी तरीके से भी नहीं है। एक आप छोटा सा पेड़ काट डालिए, छोटा सा पेड़ काटने पर ही आपके सामने पूरे तमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट हो जाता है। घर के बराबर में पटाखे बन रहे हैं, पड़ोसियों को नहीं मालूम, थानों को नहीं मालूम, LIU को नहीं मालूम, श्रम विभाग को नहीं मालूम, ये कैसे संभव है। और ये पूरा जाल फैला हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जब जब दिवाली आती है, शबे रात आती है, उससे पहले सटला इनका सबसे बड़ा केंद्र है, मवाना और फलावदा के बीच में सटला है, यहां से लाखों टन पटाखे जो है वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन कभी भी आप जाकर पता करिए, 10 में से एक जगह भी आपको लाइसेंस मिल जाए तो आप सरकारी डिपार्टमेंट को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये तो कमाई का जरिया है, थाना के कमाई का जरिया है, श्रम विभाग का कमाई का जरिया है, पोटाश बेचने वालों का कमाई का जरिया है, पर इस कमाई के जरिए को ये कैश करते हैं। लेकिन जब जाने चली जाती हैं, पूरी की पूरी बस्ती पर खतरा मंडराने लगता है, तब जाकर शासन और प्रशासन चेतता है। लेकिन सबसे बड़ी बात योगी शासन है, और योगी शासन में ऐसे किसी भी अधिकारी को अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा है जो अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर थानों से लेकर श्रम विभाग तक, और श्रम विभाग से लेकर पॉल्यूशन और दूसरे डिपार्टमेंट तक कार्रवाई बनती है, जिससे एक नजीर पेश की जाए कि ऐसी घटनाएं ना हो। लोगों की जानें इतनी सस्ती नहीं है, आप जाकर देखें किसी भी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में आपका दिल दहल जाएगा। वहां छोटे छोटे बच्चों के कोमल हाथ पोटाश और केमिकल के साथ होते हैं, जब वो वहां से काम करके निकलते हैं उनको सांस की बीमारी हो जाती है, दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन नहीं, अभी तक तो प्रशासन सोता ही आया है, अब भी सोता ही रहेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है सौरभ। बिल्कुल। गाजियाबाद से शिवम भी हमारे संग है।
शिवम, क्या गाजियाबाद प्रशासन भी सो रहा है या फिर जो गली गली जाके जहां पे इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं, या फिर जैसे हमने सहारनपुर में भी देखा कि लाइसेंस था पैकिंग के नाम पर। आप हमारे संग बने रहिए। नरेश सैनी कांग्रेस विधायक भी हमारे संग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है नरेश सैनी आपका। धन्यवाद। तो जब आज ब्लास्ट हो जाता है सर, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई फैक्ट्री भी चल रही थी? सही कह रहे हैं, बिल्कुल, ये अभी नई फैक्ट्री लगी है जी, और इसमें ये जो बहुत छोटा लाइसेंस है और 500 आदमी जिसमें काम कर रहे, किस कंपनी, किस अथॉरिटी ने उनसे, उन्होंने शिवाली के तलेटी पर लाइसेंस देने का काम किया, और वो फायर ब्रिगेड स्टेशन से कितनी दूर होना चाहिए उसके लिए, और वहाँ इंश्योरेंस था नहीं था, श्रम विभाग का जो कानून है वो भी उसमें नहीं था, बच्चों से और महिलाओं से 12-12 घंटे काम लिया जा रहा था, वो जाकर नरेश सैनी जी, आप प्रशासन पे सरकार पे हमलावर रहिए, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप तो वहीं से विधायक हैं, यानी कि आपको पता नहीं था आप अपने विधायक, आप अपना विधानसभा क्षेत्र का दौरा ही नहीं करते लगता। हमारे पास कोई आएगा आज, अभी तो हम जाएंगे, वो तो तलेट, वो बिल्कुल जंगल की तलेटी में लगा रखा है उसने, वहाँ तो गाँव से बहुत दूर है वो, लेकिन घाट क्षेत्र में जहाँ पानी की किल्लत रहती है वहाँ लाइसेंस किसने दे दिया, वहाँ लाइसेंस किसने दे दिया, हमारा ये सरकार से कहने का। जब लाइसेंस दिया गया था तब आपको खबर थी नहीं थी? हमारे पास कोई खबर नहीं थी, लाइसेंस दिया गया नहीं दिया गया, लेकिन तो आपके विधानसभा क्षेत्र में और कितनी ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं सर, ये भी खबर आपको होगी नहीं? ये वहाँ पे आज जाने के बाद पता चला कि आसपास के गांवों में छोटे छोटे घरों में वो दिया जा रहा है, बारूद के दिए जा रहे हैं और स्टोर के नाम पे, और कहीं छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, घरों में दिया जा रहा है काम, घरों में काम महिलाएं कर रही हैं, जानकारी मिली है, उसकी जाँच होनी चाहिए। जनता ने आपको वोट दिया, आप कैसे प्रतिनिधि हैं सर कि आपके इलाके में, आपके विधानसभा क्षेत्र में इतनी सारी जो मौत की फैक्ट्रियां हैं वो चलती रहती हैं? सुनिए सर, उसके बाद जब लोग मर जाते हैं उसके बाद फिर आप सियासत करने के लिए जाग जाते हैं? आप क्या बात करें, हम लोग सक्रिय जब तो सब कुछ कम पाए, हम नहीं तो वहां तो बुरा हाल हो गया था, प्रशासन से हमने सूचना दी। सर प्रशासन पे हमला करके आप बच नहीं सकते ना, जनता ने आपको वोट दिया, जिन लोगों की जान गई उसके उसके लिए आपको तो जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है प्रशासन सर, प्रशासन पे हर बात डाल देना, ये आप काम करने के लिए अपने बचने की कोशिश कर रहे हैं आप। प्रशासन ने आज तक, प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से हो रहा है ये, और सरकार के लोग बैठे हुए हैं, सरकार की मिली भगत से हो रहा है, विधायक को कुछ पता ही नहीं चलता है। नरेश सैनी जी, सरकार की मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है, और आप रहते कहां हैं जो आपको कुछ खबर ही नहीं होती, जनता के बीच आप जाते हैं नहीं जाते हैं? लेकिन वो नरेश सैनी जी, इस बात का सवाल जवाब दीजिए कि आप जनता के बीच जाते हैं नहीं जाते हैं? बेरोजगारी इतनी है, लोग इतने बेरोजगार, 12 घंटे में ₹200 में काम कराएंगे लोग, 12 घंटे में ₹200 में काम करेंगे लोग, जनता के बीच जाते हैं? मैंने आपको पता होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं साफ तौर पे कि वहां पे महिलाएं भी काम कर रही थी, 400 से 500 की संख्या थी, और वहां पे बच्चे भी काम कर रहे थे, और आपको कुछ पता ही नहीं होता है सर? हमें पता है, जब तो हम गए सबसे पहले सूचना, हादसे के बाद गए ना, हादसे के बाद गए, हादसे के बाद गए, हादसे के बाद गए ना सर, सबसे पहले हम जाने वाले लोग थे। हादसे से पहले क्यों नहीं आपकी नींद टूटती है? अपने विधानसभा क्षेत्र के बीच जाते हैं या फिर बस चुनाव के बाद जनता के बीच जाते हैं? सर आप सिर्फ उसे प्रशासन के और सरकार को घेर के खुद यहाँ पे क्लीन चिट नहीं ले सकते, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है, तो जनता आपसे सवाल कर रही है आज। जनता भी आपसे पूछ रही है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं, घूमते हैं, जनता के साथ हूँ। चलिए अब आप ये बता दीजिए, चलिए सर सुनिए, लेकिन आप लोग हमेशा सरकार का बचाव करने के, सरकार का कोई बचाव नहीं कर रहा है, सरकार से भी सवाल कर रहे हैं हम, सरकार से भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस समय आप वहां से विधानसभा से आप विधायक है, इसलिए आपसे भी सवाल करेंगे। हाँ, हम सवाल करो, आप जनता के साथ नहीं खड़े होते, आप तो सरकार के साथ खड़े होते, ऐसा लग रहा है मुझे तो। आपकी जानकारियां इतनी कम है सर, मेरी जानकारी आपके विधानसभा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आते हैं जनता के बीच चले जाते हैं, और जैसे हादसे हो जाते हैं उसके बाद सरकार पे हमले कर करके आप अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, मैं जो मैं कह रहा हूँ, कम से कम किसी की मौत पे राजनीति तो मत करिए ना, कम से कम सर सुनिए, किसी की मौत पे आप राजनीति मत करिए, कम से कम आप ये बताइए क्या इस हादसे के बाद आपने और जगह जाके उसका दौरा किया,
क्या और जो फैक्ट्रियां चल रही हैं क्या वहां पे भी लाइसेंस किसी और बाप का मिल गया है और काम कुछ और कर रहा है? आपने कितनी जगह का दौरा किया बताइए न्यूज वन इंडिया पे? अब भी दौरे पे ही हूँ मैं। कितनी जगह का दौरा किया? मैं क्षेत्र में हूँ, आस पास के गाँव में जा लिया मैं। क्या मिला वहाँ, कहाँ काम चल रहा है, कितनी जगह का दौरा किया एक बार लिखित में आप बता दीजिए, हमारे संवाददाता है वहाँ पे। बताइए बोलिए कहाँ कहाँ गए आप? पेड़ों में गया हूँ, खुशालीपुर में गया, छोटी खुशालीपुर में गया हूँ, शाहपुर में गया हूँ, सही मिला खेड़ा में गया हूँ, सब आपको सही मिला, बादशाहपुर में गया हूँ, सही मिला सब कुछ आपको, वहाँ पे बिल्कुल आपको घरों में पेड़ों गाँव में भी काम चला, वहाँ स्टॉक भी मिला की जगह। नहीं आपने जहां जहां दौरे किए इस हादसे के बाद आपको शायद लगा होगा ना कि मेरा विधानसभा क्षेत्र कहीं ऐसा ना हो कि आज यहां पे हादसा हुआ है, ये जानकारी हादसा हो गया तो जा जाके एक बार देख ले अपने विधानसभा का दौरा ही कर ले। बोलिए आप बताइए, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कितनी जगह का दौरा किया, जहां जहां आपने दौरे किए हमारे संवाददाता भी जोड़े आप बता दीजिए, वो भी एक बार दिखा देंगे जनता को कि जो उनके विधायक है वो कितने एक्टिव है। बोलिए। मैं पेड़ों में गया, खुशालीपुर में गया, छोटी खुशालीपुर में गया, सियापुर में गया, कुर्टीखेड़ा में गया, बच्चापुर में गया, हर चीज एक्यूरेट मिली। हादसों के बाद जागते हैं, हादसों से पहले नहीं जागते? नहीं हादसों से पहले भी जाते हैं, कोई सोचना हमारे पास आए कि 10 महीने से फैक्ट्री चल रही है। सर सुनिए, अगर आप हादसों से पहले जागे होते तो आज हादसा नहीं होता सारनपुर में। सरकार भी जिम्मेदारी है, जो लाइसेंस दे रहे हैं लोग घायल नहीं हुए होते, सरकार भी जिम्मेदारी है फैक्ट्री में। सर सुन लीजिए, जिस फैक्ट्री में लाइसेंस था पैकिंग का, वहां पे अवैध पटाखे बनाए जा रहे थे, वहां पे बच्चे काम कर रहे थे, अगर आप जागते होते ना तो वहां पे जो मजदूर हैं वो बाल मजदूरी नहीं कर रहे होते? अरे बात हमारी ना करो आप। सर एक विधायक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को भी आपको समझना पड़ेगा ना, एक विधायक के तौर पे आपको अपनी जिम्मेदारी को भी समझना पड़ेगा। आप भी हमारे संग, विनीत शर्मा भी हमारे संग जुड़े हुए हैं। विनीत ये बताइए, जो विधायक हैं कितना जनता के बीच रहते हैं साहब? के शर्मा के पास हम चलेंगे। के देखिए, जैसे आपने भी कहा था कि हमेशा जैसे हादसे हो जाते हैं उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सियासत ही होती है, यहाँ पे जो नरेश सैनी है वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब हादसा हो गया उसके बाद वो कई जगह गए, लेकिन हादसों से पहले वो कहीं नहीं जाते। सौरभ ये बहुत बड़ा एंगल आपने उठाया है, इस एंगल के चलते ही राजनीतिक कर्तव्य इन लोगों के फिक्स होने चाहिए। क्यों नहीं जाते ये लोग, क्यों नहीं देखते उनके क्षेत्र में जितने श्रमिक हैं, कितने स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड है, और कहां कहां पर वो लोग काम कर रहे हैं, क्या इस बात की भी जानकारी नहीं होती? प्रशासन की जानकारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन क्यों नहीं वो अपने क्षेत्र में जाकर अपने थानों को बताते, प्रशासन को चेताते कि भैया किसकी परमिशन से ये इस तरीके के काम धंधे हो रहे हैं, किसकी परमिशन से ये शोषण हो रहा है। जी जरूर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। राशन की दुकान पर राशन बटता है, 1 किलो की जगह 700 ग्राम बटता है, लेकिन विधायक को मालूम नहीं होता उसी के क्षेत्र में हो रहा है। तो न्यूज वन इंडिया और विशेषकर सौरभ आपने जो ये जिम्मेदारी फिक्स करी है विधायकों की, ये विधायकों की जिम्मेदारी जरूर फिक्स होनी चाहिए कि प्रशासन के साथ पुलिस के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में जाए, पता लगाए कहां पर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जैसे जिम्मेदारी की बात आती है ना जो साहब है वो फोन काट के चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हादसों के बाद सरकार को कैसे घेरा जाए, प्रशासन को कैसे घेरा जाए और खुद को कैसे क्लीन चिट दी जाए, बस इसकी प्रिपरेशन रहती है। उससे पहले ना ही अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं ये लोग और ना ही देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसलिए तो कल्चर बदलने की जरूरत है, इसलिए तो काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है, इसलिए तो सरकार ने 300 से ऊपर, जनता ने 300 से ऊपर वोट सीटें देकर इस सरकार को अनलिमिटेड पावर्स दी, और उसके बावजूद विधायक, विधायिका, कानून, पुलिस, प्रशासन, इन सबको मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कम से कम दिवाली से 2 महीने पहले ये तो पता ही लगाना चाहिए कि कहां कहां पर इस तरीके का पोटाश और विस्फोटक सामग्री की सप्लाई हो रही है, किसने लाइसेंस दिया है। विधायक को जरूर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और विधायक को भी अपने क्षेत्र का ज्योग्राफी जो है, जहां जहां पर जो जो काम धंधे होते हैं उसके बारे में एक एक लिस्टिंग होनी चाहिए।
बिल्कुल वक्त रहते जागने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया केके, आपका भी, शिवम गौतम आपका भी, और विनीत शर्मा हमारे संग सहारनपुर से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने विधायक को भी सुना, हादसों के बाद सरकार पे आप हमला करेंगे, प्रशासन को आप सवालों के घेरे में खड़ा करेंगे, लेकिन जो आपकी जवाबदेही बनती है उसको भी तय करना पड़ेगा। एक विधायक के तौर पर आपको भी अपने क्षेत्रों का दौरा करने की जरूरत है, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।